अमनप्रीत ने प्रश्न पूछा है कि मन को कैसे कंट्रोल करें, जब भी ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं बैठ नहीं पाते, मन ध्यान में प्रवेश नहीं करने देता। ध्यान में तुम सीधा प्रवेश नहीं कर सकते, तुम सोचो आँख बंद कर लो और ध्यान शुरू कर दो, नहीं, ये संभव नहीं है। ध्यान की स्थिति में पहुँचने से पहले मन और शरीर को तैयार करना होता है। पहली बात, अगर तुम्हारे शरीर में थकावट है, नींद पूरी नहीं हुई है, तो सबसे पहले शरीर नींद में जाना चाहेगा। हमारे शरीर को पूरी नींद ना मिले तो ये तुम्हें ध्यान में नहीं नींद में ले जाएगा। और ये तुम्हारे भोजन के ऊपर भी निर्भर है कि तुम किस तरह का भोजन लेते हो, उसका भी प्रभाव होता है। क्योंकि ध्यान का पहला नियम है, अपने को पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में लाओ। और अगर तुम्हारा शरीर में नींद नहीं है तो ध्यान की स्थिति बनती है। फिर हमारा शरीर बाहर से मैला हो जाता है, वैसे ही भीतर से भी उसमें मैल इकट्ठी हो जाती है। उस मैल से मुक्त होने के लिए योग है, प्राणायाम है, सक्रिय शारीरिक व्यायाम है, जो कि शरीर को ग्रंथियों से मुक्त करता है। और याद रखो, शरीर सूक्ष्म मन है और मन स्थूल शरीर है, तो जो तुम शरीर के साथ करते हो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, या फिर जो तुम मन के साथ करते हो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। एक बार शरीर और मन को तुमने संतुष्ट कर दिया तो इसकी पकड़ तुम पर हल्की हो जाती है, फिर ध्यान की अवस्था सहज आ जाती है। ध्यान कोई कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, खुद के भीतर विश्राम ध्यान है, खुद के घर आ जाना ध्यान है, इस शरीर में रहकर इस शरीर से पार अपने को देख लेना ध्यान है। क्योंकि हमने अपने जीवन को बहुत जटिल बना लिया है, इसलिए ध्यान जैसी सहज घटना नहीं घट पाती। अपने जीवन की जटिलता, ग्रंथियों और उलझावों से मुक्त हो जाओ, ध्यान का अनुभव हो जाएगा। प्रणाम।